हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है सेम बहादुर तो इस फिल्म को किस तरह से कैसे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे साथ ही में म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है साथ ही में इस फिल्म से जुड़े जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो बातें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग तथ्य जो फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सेम बहादुर जो 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वर्ड ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मासल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे औरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आ, मेगना गुलजार ने जहाँ पे मेगना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी और फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजान और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज़ के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में बेगी कौशल फातिमा साना से सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक सौ अड़तालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर ऐसा लोई ने कम्पोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की के कास्टिंग ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फील्ड मार्शल से मानिको का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो रि राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा सिंह बुंदेला जिन्होंने सूबेदार गुरबख्श सिंह का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर सिंह सिंह लेफ्टिनेंट दिलसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह का रोल प्ले करते हैं नजर आएंगे उज्ज्वल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम शिविर प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह प्ले करते आपको जो कास्ट दिखाई हुई वो है, इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किया हुए जो सेम बहादुर यानी कि सेम शो की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेगी सिलो मानिक सो का रोल प्ले करते हुए जो मानिक सिंह के का रोल था राजीव कचरो ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानिको का रोल प्ले किया है जो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी इफ्तिकार का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले

सर्वविल पल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया जो इंडिया के सेकंड का था संजय रो का रोल प्ले किया वरुण नारंग शेख में देखने को मिलेंगे आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार देखने को मिले हैं तो जहां पर मोहम्मद जह ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा ओपेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो इस पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेफ्टर जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंट बेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नील ने इसमें मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल

थी इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्डबर्ग ने इसमें हेनरी किसिंग का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा एंपीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडो ने इसमें ऑफिसर आई जे ए का रोल प्ले किया हुआ है केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई जे ए के इसके अलावा आई जे ए के एक इंडिया इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म में तो ये कुछ कास्सी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए तो नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पर वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते थे उस कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलोब्रेशन किया राइटिंग में भवानी भवानीयर और संत नु श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर जो से थे, उनके साथ भी मीटिंग किए हुई थी और प्रॉपर खाने को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोबरेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर सुनाई दी आर मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक

एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के रेजिमेंट के रोल के रेजिमेंट रोल लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें ज़ाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था सेमशी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशंस कवर किए थे वहाँ पे इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक पेपअप किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर रेशन लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर ने कंपोज किए थे बाईस में इसको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

ऊपर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसन मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे ये फिल्म एक दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ़ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिज्म वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के, के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया हुआ वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म के अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफ़ी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन परसेंट का एक जम देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन दो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने एक कलेक्शन भी काफी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो सेकंड से सोलह लाखे पच्चीस के दिन दो करोड़ का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

था। 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 फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर करोड़ का इस इस फिल्म फिल्म ने ने इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद में में चौथे वीक सेवन करोड़ फाइव लाख का कलेक्शन किया वीक में पांच करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वीक में पिछहतर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें का इंडिया का ग्रोस हुआ एक करोड़ अड़सठ लाख और सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख का कलेक्शन से और कलेक्शन किया हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओटी और सैटेलाइट राइट्स थे जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी के ऊपर ंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मासल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियां जस्ट मेरी और फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजन और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोन स्क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वेगी कौशल फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेसान लोई ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने अपने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फ़िल्ड मार्शल से मानिकसो का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो राइफल्स वहाँ पे करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह कृष्णा जिन्होंने नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल डिफिंदर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे उज्ज्वल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम सि प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह इस फिल्म में ब्रिगेडियर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जसकरण सिंह गांधी इस फिल्म में आ, मेहर खान का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो ये जो मैंने अभी आपको जो कास्ट दिखाई हुई है वो इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ जो सेम बहादुर यानी कि सेम मेनिको की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी सिलो मानिक सो का रोल प्ले करते हुए मानिक सो के का रोल था राजीव कचरो ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानेक्सो का रोल प्ले किया है जो मानेक्सो के फादर का रोल था इसके अलावा कश्यप आपको हाजी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो जो से सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले

सर्वविलपाल राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं जहां पे मोहम्मद अयूब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बोम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा ओपेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर आ, जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिकर रहमान का जो शो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंट बेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नील में मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल

थी इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्ड बर्ग ने इसमें हेनरी किसिंग का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा एमपीियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडोनेस में ऑफिसर आई जे ए का रोल प्ले किया हुआ है क्या केता अरा जी एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई जे ए के इसके अलावा आई जे ए के को इंडिया इम्पीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम मेनिक्स के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजी फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पे वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलाब्रेशन किया राइटिंग में भवानी अय्यर और संत तनु श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर के जो से मनेक्सो थे उनके साथ भी मीटिंग की हुई थी और प्रॉपर खाने को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोब्रेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर वन सुनाई दी आर मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक बर्थ एनिवर्स, एनिवर्सरी थी मेनिको के उस मौके के ऊपर इस फिल्म को अनाउंस किया कास्टिंग में दिसंबर 2021 में बताया गया था कि फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा इस कास्ट को जोन कर ज्वाइन करने वाले दंगल के बाद उनका एक दूसरे के साथ कोलाब्रेशन होने वाला है इसके बाद में काबी ने कास्ट ज्वाइन किया हुआ था सेप्टेम्बर दो में जवाहरलाल नेहरू के लिए उनको ऑफर किया गया था रोल जिन्होंने गुलजार के साथ या सेकंड कोलाब्रेशन किया तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छः सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें जाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था स नक्शे की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए थे वहाँ पर इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 हजार तेईस तक पेपअप किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर ऐसा लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर रेशन लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

ऊपर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसेंट मैनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे ये फिल्म एक दिसंबर दो को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो तो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिजम वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया हुआ वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म की अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज़ किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीनस के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन परसेंट का एक जम्प देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने छह करोड़ पच्चीस लाख और कलेक्शन किया तो इस का सोलह के, के, के दिन दो करोड़ का के दिन एक 90 के दिन एक 25 इसके चलते इस ने दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर सेवनटी करोड़ का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद में इस फिल्म ने, ने चौथे वीक में पांच करोड़ छह लाख का कलेक्शन किया पांचवें वीक में पांच करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वीक में पिछहत्तर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें का इंडिया का ग्रोस हुआ एक करोड़ अड़सठ लाख और इसमें इस फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख का कलेक्शन वहां से भी निकला था जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से और, और का मिला के टोटल कलेक्शन एक करोड़ सोलह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ और, और सैटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तो जी5 ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मासल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी और फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजान और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वीकी कौशल फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेशान लोई ने कम्पोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की के कास्टिंग ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फ़िल्ड मार्शल से मानिको का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह बुंदेला जिन्होंने सूबेदार गुरबख्श सिंह 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 का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ है धनवीर लेफ्टिनेंट दिलसर करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल डिपिंदर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे उज्जवल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम शिव प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह प्ले करते तो आपको जो कास्ट दिखाई हुए वो है, इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए जो सेम बहादुर यानी कि सेम मैनिक शो की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी सिलू मानिक का रोल प्ले करते हुए जो मानिक के का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानेक्सो का रोल प्ले किया है जो मानेक्सो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी इफ्तिकार का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो सेम मानिको के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार सबको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल

सर्वविलपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं तो जहाँ पे मोहम्मद जह जिजान ऐब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा उपेंद चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर आ, जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिकर रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का रोल प्ले

प्ले किया जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे तो ये ब्रिटिश के आर्मी कुछ कैरेक्टर्स थे जो देखने को मिले थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में भी एक तो किरदार देखने को मिले थे जहाँ पे रिचर्ड भक्ति क्लेन ने इसमें कैनेथ किंग का रोल प्ले किया जो यूएस एम्बेसडर थे इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्ड ने इसमें हैंनरी किसिंगर का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे Uh, उस स्टेट में इसके अलावा एंपीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडो ने इसमें ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है क्या, केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिले रोल में आई के इसके अलावा आई जी के एक इंडिया इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ती फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम मेनिक्स के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पर वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते थे उस कैरेक्टर के साथ वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलोब्रेशन किया राइटिंग में भवानी अयर और सं श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फेमिली में जो सेम मैनिको थे उनके साथ भी मीटिंग की हुई थी और प्रॉपर कहानी को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोबरेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर सुनाई दी आर मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक बर्थ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी थी सेम मैनिको के उस मौके के ऊपर इस फिल्म को अनाउंस किया कास्टिंग में दिसंबर 2021 में बताया गया गया था कि फातिमा साना और मल्होत्रा इस काश को ज्वाइन जो करने वाले दंगल के बाद उनका एक दूसरे के साथ नेहरू के ने ने लिए उनको ऑफर किया गया था रोल जिन्होंने गुलजार के साथ तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छह सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए प्रॉपर गाइड गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें ज़ाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था सेम मनशी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशंस कवर किए थे वहाँ पे इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक तेईस तक किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे थे फिर उनका बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर रेशन लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर रेशान लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड्स किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड ट्रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसन मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था 13 अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म एक दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेज भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ़ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के, के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म के अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफ़ी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज़ किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन परसेंट का एक जम देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन दो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने एक कलेक्शन भी काफी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो सेकंड इस फिल्म का सोलह करोड़ पिछहतर लाख का दिन ने कलेक्शन किया था दो करोड़ पच्चीस लाख का ट्यूसडे के दिन दो करोड़ का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली जहां थर्ड वीकेंड के ऊपर फिल्म

फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीको करोड़ का कलेक्शन का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वीक में पिछहतर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें

जी के ऊपर ंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा के ऊपर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेम बहादुर फिल्म अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो जी फाइवफॉर्म के ऊपर पे फिल्म इंग्लिश सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन सी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सेम बहादुर फिल्म आप ऑफिशियली कर पाओगे सेम बहादुर जो दो हजार एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वर्ड ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मार्सल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियां जस्ट मेरी रो फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजन और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है स्क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वेगी कौशल फातिमा साना और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेसान लोई ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने अपने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फ़िल्ड मार्शल से मानिक रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा

परम शिवा प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह इस फिल्म में ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जसकरण सिंह गांधी इस फिल्म में सिपोई खान का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो ये जो मैंने अभी आपको जो कास्ट दिखाई हुए वो है। इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किया हुए जो सेम बहादुर यानी कि सेम मैनिक शो की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेगी सी लो का रोल प्ले करते हुए जो के वाइफ का रोल था राजीव कचरो ने इस फिल्म में हॉर मुकाश कश्यप आपको हाजी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो जो से सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल टेल का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो फर्स्ट डेप्य प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातिमा सना शेख ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया हुआ है जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की इसके अलावा अंजन श्रीवास्तव या यशवंत राव चावन का रोल प्ले करते नजर आए जो एट्थ डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के अतुल काले ने के बी लाल का रोल प्ले किया जो एक डिफेंस सेक्रेटरी का किरदार था इलांगो कुमार आवेल इस फिल्म में वीके कृष्णा मेनन यानी कि सेवंथ डिफेंस मिनिस्टर का रोल प्ले करते नजर आए इसके अलावा विवेक बहल इस फिल्म में सर्वविलपाल राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं जहां पे मोहम्मद अयूब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा ओपेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिक रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नील ने इसमें मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया था जो ब्रिटिश आर्मी में थे ब्रिटिश आर्मी में आपको एक किरदार देखने को मिलेगा कैप्टन

के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे आ, उस स्टेट में इसके अलावा एमपीियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडोनेस में ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है क्या केता अरा एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई के इसके अलावा आई जी के एक इंडिया इम्पीरियल इं, जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पे वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलाबरेशन किया राइटिंग में भवानी भवानयर और

गया था कि फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा इस काश को जो कर करने वाले दंगल के बाद उनका एक दूसरे के साथ नेहरू के ने ने लिए उनको ऑफर किया गया था रोल जिन्होंने गुलजार के साथ तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छह सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके, उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें ज़ाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशंस थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था स नक्शी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए थे वहाँ पर इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक किया था। उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर ऐसा लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड्स किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसेन्ट मैनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे ये फिल्म एक दिसंबर दो को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिजम वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म की अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन का एक जंप देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने कलेक्शन भी काफी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म छह करोड़ पच्चीस लाख और कलेक्शन किया तो इस का सोलह करोड़ पिछहतर लाख का निकल के आया हुआ था दो करोड़ पच्चीस लाख दो करोड़ का वेंसडे के दिन एक करोड़ नब्बे पचहत्तर लाख का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

जिसका इंडिया का ग्रोस हुआ एक सौ दस करोड़ अड़सठ लाख और सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख का कलेक्शन वहां से भी निकला था जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से और, और का मिला के टोटल कलेक्शन अट्ठाइस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओटी और, और सैटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो

यानी कि सेम मो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी रो फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजन और शांतनु श्रीवास्तव ने काम किया हुआ है उन्होंने स्क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वेगी कौशल फातिमा साना और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेशान लोई ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने अपने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फिल्ड मार्शल से मानिको का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह 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 बुंदेला जी सूबेदार गुरबख्श का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर लेफ्टिनेंट दिलसर सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल डिफिंदर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे उज्ज्वल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम सि प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह इस फिल्म में प्ले करते आपको जो कास्ट दिखाई हुए वो है, इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किया हुए जो सेम बहादुर यानी कि सेम मेनिको की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेगी सिलू मानिक सो का रोल प्ले करते हुए जो मानिक सो के का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुसी मानेक्सो का रोल प्ले किया है, जो मानेक्सो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल करते हैं नजर आएंगे जब फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फातिमा सना ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया, किया है। जो मिनिस्टर थे इंडिया के अतुल काले ने के बी लाल का रोल प्ले किया जो एक डिफेंस सेक्रेटरी का किरदार था इलांगो मिनिस्टर का रोल प्ले करते नजर आए इसके अलावा विवेक बहल ने इस फिल्म सर्वविलपाल राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं जहाँ पे मोहम्मद जह जिजान अयूब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा ओपेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर आ, जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिक रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नील ने इसमें मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया था जो ब्रिटिश आर्मी में थे ब्रिटिश आर्मी, आर्मी में आपको एक किरदार देखने को मिलेगा कैप्टन

के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा इंपीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडोनेस में ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है क्या केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई के इसके अलावा आई के को इंडिया इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पर वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलाब्रेशन किया राइटिंग में भवानी भवानीयर और

गया था कि फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा जो दंगल के बाद उनका एक दूसरे के साथ नेहरू के ने ने लिए उनको ऑफर किया गया था रोल जिन्होंने गुलजार के साथ तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छह सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए एक गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके, उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें ज़ाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशंस थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था स नक्शी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए थे वहाँ पर फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक पेपअप किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर एहसान लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसेन्ट मैनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे ये फिल्म एक दिसंबर दो को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिजम वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म की अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन का एक जंप देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वीक डेज में इस फिल्म ने डे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने एक कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो सेकंड से सोलह लाख का सो लाख ला का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर नेट कलेक्शन किया किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का, का, का और सातवें वीक में पिछहतर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइनटी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन के चलते जिसका इंडिया का ग्रोस हुआ एक सौ दस करोड़ अड़सठ लाख और में इस फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख का कलेक्शन वहां से भी निकला था जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से और, और का मिला के टोटल कलेक्शन अट्ठाइस करोड़ सोलह लाख का कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओटी और, और सेटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जीफाई ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेम बहादुर फिल्म अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो जी फाइवफॉर्म के ऊपर पे फिल्म इंग्लिश सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन सी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सेम बहादुर फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सेम बहादुर जो दो हजार तेईस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वो ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मासल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी और फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजन और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वीकी कौशल फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेशान लोई ने कम्पोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की के कास्टिंग ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फ़िल्ड मार्शल से मानिको का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो रिव राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह बुंदेला जिन्होंने सूबेदार गुरबख्श सिंह का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर सिंह लेफ्टिनेंट दिलसर सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल डिपिंदर सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे उज्जवल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम शिविर प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह प्ले करते आपको जो कास्ट दिखाई हुए वो है, इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किए हुए जो सेम बहादुर यानी कि सेम मैनिको की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेंगी सिलो मानिक का रोल प्ले करते हुए जो मानिक के का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानिको का रोल प्ले किया है जो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी इफ्तिकार का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल

सर्वविलपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं जहाँ पे मोहम्मद जह जिजान अयुब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा पेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो इस पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिकर रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिन ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंट बेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नीलिस में मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल

थी इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्डबर्ग ने इसमें हेनरी किसिंगर का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट, स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा एंपीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडो ने इसमें ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिले रोल में आई के इसके अलावा आई जी के एक इंडिया इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ती फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म में कहानी का आइडिया था सेम के ऊपर बनाने का बना आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलोबरेशन किया राइटिंग में भवानी अयर और तनु श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर जो से मो थे उनके साथ भी मीटिंग किए हुई थी और प्रॉपर कहानी को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोब्रेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर सुनाई दी आर मूवीज़ ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक

एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के रेजिमेंट के रोल के रोल लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें ज़ाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पे शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था से मनशी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशंस कवर किए थे वहाँ पे इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक तेईस तक किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर रेशन सं लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर एहसान सं लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड्स किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड ट्रिक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसन मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीज़र रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म एक दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के, के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म के अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते थे तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफ़ी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज़ किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन परसेंट का एक जंप देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने एक कलेक्शन भी काफी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो का सोलह करोड़ पिछहतर लाख का दिन ने कलेक्शन किया था दो करोड़ पच्चीस लाख का ट्यूसडे पचहत्तर लाख का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली जहां थर्ड वीकेंड के ऊपर फिल्म

फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर करोड़ का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद में इस में इस फिल्म ने चौथे वीक करोड़ लाख का कलेक्शन किया वीक में पांच करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वीक में पिछहतर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें

प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेम बहादुर फिल्म अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन सी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सेम बहादुर फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सेम बहादुर जो दो हजार तेईस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वर्ड ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मार्सल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी रो फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजन और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोन स्क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वेगी कौशल फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेशान लोई ने कंपोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने अपने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की के कास्टिंग ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फील्ड मार्शल से मानिक रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो रिव राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा सिंह कृष्णाला जिन्होंने का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर सिंह सिंह लेफ्टिनेंट दिलसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल डिफिंदर सिंह का रोल प्ले करते हैं नजर आएंगे उज्ज्वल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम सिंह

का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानेक्सो का रोल प्ले किया है जो मानेक्सो के फादर का रोल था इसके अलावा कश्यप आपको हाजी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो जो से सेम के फ्रेंड फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले

सर्वविलपाल राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया है जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं तो जहाँ पे मोहम्मद जह जिजान ऐब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा ओपेन चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो इस पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर आ, जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिकर रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नीलिस में मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल

थी इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्ड ने इसमें हेनरी किसिंगर का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा इंपीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडोनेस में ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है क्या केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई के इसके अलावा आई के को इंडिया इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम मैनिक्स के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पर वो आइडिया उन्होंने विक्की कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलाब्रेशन किया राइटिंग में भवानी भवानै्यर और संत तनु श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर के जो से मानिकसो थे उनके साथ भी मीटिंग की हुई थी और प्रॉपर खाने को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोब्रेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर वन सुनाई दी आरएसवीपी मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक एनिवर्सरी एनिवर्सरी थी सेम के उस मौके के ऊपर इस फिल्म को अनाउंस किया कास्टिंग में दिसंबर 2021 में बताया गया था कि फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा इस कास्ट को जोन कर ज्वाइन करने वाले दंगल के बाद उनका एक दूसरे के साथ कोलाब्रेशन होने वाला है इसके बाद में काबी ने कास्ट ज्वाइन किया हुआ था सेप्टेम्बर दो में जवाहरलाल नेहरू ने के लिए उनको ऑफर किया गया था रोल जिन्होंने गुलजार के साथ या सेकंड कोलाब्रेशन किया तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छ सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उनके उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें जाया जाए इस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था से मनशी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए थे वहाँ पर फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 हजार तेईस तक पेपअप किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर एहसान लोई ने कम्पोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड्स किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसेंट मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे ये फिल्म एक दिसंबर दो को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिजम वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया हुआ वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म के अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन का एक जम्प देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वीक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने एक कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो से सोलह था करोड़ पच्चीस लाख दो करोड़ का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर करोड़ का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद में में इस फिल्म ने चौथे वीक करोड़ लाख का कलेक्शन किया पांचवें वीक में पांच करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वी वीक में पिछहत्तर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें का इंडिया का ग्रोस हुआ एक करोड़ अड़सठ लाख और इसमें इस फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख का कलेक्शन वहां से भी निकला था जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से और ओवर का मिला के टोटल कलेक्शन एक करोड़ सोलह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओ और, और सेटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी5 ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर भी थिंगलेस सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फिल्ड मार्सल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी और फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजान और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है रोनी स्क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज़ के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वीकी कौशल फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर एहसान लोई ने कम्पोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की के कास्टिंग ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फ़िल्ड मार्शल से मानिको का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस एस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो राइफल्स है वहाँ पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह बुंदेला जिन्होंने सूबेदार सिंह का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर सिंह सिंह लेफ्टिनेंट दिलसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे उज्जवल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम शिविर

का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुसीज मानिकसो का रोल प्ले किया है जो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी इफ्तिकार का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो सेम मानेक्सो के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी ने इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल

सर्वविलपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं जहाँ पे मोहम्मद जह जिजान अयूब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पाँचवें कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो चीफ थे स्टाफ के इसके अलावा उपेंद चौहान इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर जनरल आतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिक रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिंग ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंट का रोल प्ले

प्ले किया जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे तो ये ब्रिटिश के आर्मी कुछ कैरेक्टर्स से जो देखने को मिले थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में भी एक तो किरदार देखने को मिले थे जहाँ पे रिचर्ड भक्ति क्लेन ने इसमें कैनेथ किंग का रोल प्ले किया जो यूएस एम्बेसडर थे इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्ड ने इसमें हैंनरी किसिंगर का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा इम्पीरियल जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडो ने इसमें ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है केता अरा जी एक ऑफिसर में देखने को मिले रोल में आई के इसके अलावा आई जी के एक इंडिया इम्पीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है नायो इसादा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ती फिल्म की जो इस फिल्म में इम्पोर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत दो इस फिल्म में कहानी का आइडिया था सेम के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पे वो आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते थे उस कैरेक्टर के साथ वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलोबरेशन किया राइटिंग में भवानी अयर और संत श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फेमिली में जो सेम मेने उनके साथ भी मीटिंग की हुई थी और प्रॉपर कहानी को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोबरेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर सुनाई दी आर मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहां पे एक बर्थ एनिवर्सरी बर्थ निवरिस्य, बर्थ एनिवर्सरी थी सेम मैनिको के उस मौके के ऊपर इस फिल्म को अनाउंस किया कास्टिंग में दिसंबर 2021 में बताया गया गया था कि फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा इस काश को जोन करने वाले दंगल के बाद नेहरू के साथ एक ने लिए उनको ऑफर किया गया था रोल गुलन किया तलवार फिल्म के बाद विक्की कौशल ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के छह सिख रेजिमेंट के प्रिपेयरिंग रोल के लिए प्रॉपर गाइड ली हुई और एक डिफिकल्ट रोल उनको लगा है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीजें जाया जाए इस वजह से उन्होंने काफी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज किया है। उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशंस थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था से मनशी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशंस कवर किए थे वहाँ पे इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक तेईस तक किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे वो शंकर रेशन लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर एहसान लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड ट्रिक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसन मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर प्रोडक्शन के द्वारा एक टीज़र रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म एक दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ़ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर पेट्रोटिजम वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के, के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहाँ पे बखोबी सभी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म की अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते थे तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफ़ी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन परसेंट का एक जंप देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने कलेक्शन भी काफी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो इस फिल्म का सोलह करोड़ वो था दो करोड़ पच्चीस लाख का ट्यूसडे पचहत्तर लाख का इसके चलते दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली जहां थर्ड वीकेंड के ऊपर फिल्म

इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था तीन वीक के अंदर करोड़ का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद में इस में इस फिल्म ने चौथे वीक करोड़ लाख का कलेक्शन किया वीक में पांच करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया छठे वीक में दो करोड़ इकतालीस लाख का और सातवें वीक में पिछहतर लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने करीबन सात वीक के अंदर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया तो एक अच्छा कलेक्शन निकला वर्ड ऑफ माउथ के चलते जिसमें इसका इंडिया का ग्रोथ हुआ एक इसमें इस फिल्म ने लाखेंट कलेक्शन किया सत्रह करोड़ अड़तालीस का कलेक्शन से भी निकला था जिसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से और ओवरसीज का मिला के टोटल कलेक्शन करोड़ लाख का कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ उसके सामने एक डिसेंट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओटीटी और, और सैटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सेटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना तो जी के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा के उपर, सेम के ऊपर नाम साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेम बहादुर फिल्म अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो जी फाइवफॉर्म के ऊपर पे फिल्म इंग्लिश सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का अलावाइट वर्जन सी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सेम बहादुर फिल्म आप ऑफिशियली कर पाओगे सेम बहादुर जो दो हजार तेईस के इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वर्ड ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे फील्ड मार्सल यानी कि सेम मानिक्सो की कहानी के ऊपर इस फिल्म को बनाया हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है एक बेस्ड कहानी है तो थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल से इसके अलावा इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है मेघना गुलजार ने जहाँ पे मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करती हुई नजर आई है जिन्होंने इससे पहले एक दो बड़ी फिल्में दी हुई है जहाँ पे इससे पहले उनकी छपाक आई थी राजी आई थी तलवार आई थी दस कहानियाँ जस्ट मेरी रो फिलहाल जैसी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टोरी थी वो स्क्रिप्टिंग थी और स्क्रीन प्ले उसमें मेघना गुलजान और शांतनु श्रीवास्तवा ने काम किया हुआ है उन्होंने स्क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पचपन करोड़ था इस फिल्म को आर एस वी पी प्रो मूवीज के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म के लीड कास्ट में वेगी कौशल फातिमा साना और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी जय आई पटेल ने की हुई है एडिटिंग नितिन बेद ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अट्ठाईस मिनट लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर केतन सोडा ने किया हुआ है सॉन्ग से वो शंकर रेशान लोई ने कंपोज किए हुए इसके अलावा म्यूजिक के राइट से जी म्यूजिक कंपनी वालों ने पास रखे हुए इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने फील्ड मार्शल से मानिक सो का रोल प्ले किया हुआ है जो सेवंथ चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में इसके अलावा बेबी सेम का जो रोल था वो था यानी कि जो यंग सेम का जो रोल था वो जियाना कापड़िया ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा बॉबी अरोरा इस फिल्म में मेजर ओएस कलकत्त इंडियन आर्मी के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा मानोज बोरकुतोई ने इस फिल्म में मेजर आसाम जो रिव राइफल्स है वहां पे वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा कृष्णाकांत सिंह बुंदेला कृष्णा जिन्होंने का रोल प्ले किया हुआ है धनवीर सिंह सिंह लेफ्टिनेंट दिलसर का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा अंकुर राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह का रोल प्ले करते हैं नजर आएंगे उज्ज्वल चोपड़ा ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल का रोल प्ले किया हुआ है सुधीर सिंह ने इस फिल्म में जनरल परम सिंह प्रभाकर कुमार मंगलम का रोल प्ले किया हुआ है पुष्पदीप सिंह इस फिल्म में प्ले करते तो आपको जो कास्ट दिखाई हुए वो है, इंडियन आर्मी में काम की हुई इस फिल्म में वो सभी किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है जो सेम बहादुर यानी कि सेम मेनिको की जो फैमिली है उसमें सानिया मल्होत्रा आपको देखने को मिलेगी सिलू मानिकसो का रोल प्ले करते हुए जो मानिक के वाइफ का रोल था राजीव कचरू ने इस फिल्म में हॉर मुशीजो का रोल प्ले किया है जो के फादर का रोल था इसके अलावा राजेश कश्यप आपको हाजी इफ्तिकार का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे जो जो से सेम के फ्रेंड का रोल था जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उनके फ्रेंड बने थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी कुछ किरदार आपको देखने को मिलते इस फिल्म में उसमें नीरज काबी इस फिल्म में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उसका रोल प्ले किया था गोविंद नामदेव आपको वल्लभ भाई पटेल का रोल

सरबीलपल्ली राधाकृष्णन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का किरदार था संजय रॉय ने जाकिर हुसैन का रोल प्ले किया हुआ जो इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट का रोल था इसके अलावा वरुण नारंग आपको शेख अब्दुल्ला के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा आपको पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ किरदार इस फिल्म में देखने को मिले हैं तो जहाँ पे मोहम्मद अयूब ने इस फिल्म में जनरल यहां खान जो तीसरे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और पांचवे कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के वो रोल उन्होंने प्ले किया था मनीष बॉम्बा ने इस फिल्म में जनरल अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान आर्मी में थे जो थे जो चीफ स्टाफ के इसके अलावा उपेंद्र चौहान इस फिल्म में जनरल टिक्का खान का रोल प्ले करते नजर आए जो इस पाकिस्तान के गवर्नर थे रोहन वर्मा ने कैप्टन यानी कि लेटर आ, जनरल अतिक रहमान का रोल प्ले किया हुआ है अतिकर रहमान का जो मनिक्सो के फ्रेंड और लेटर ऑन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का रोल था ब्रिटिश राज में भी कुछ किरदार देखने को मिले तो एडवर्ड सोनिन ब्लिक ने इस फिल्म में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का रोल प्ले किया हुआ है जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इसके अलावा पोल ऑन नीलिस में मेजर जनरल डेविड कौन का रोल प्ले किया हुआ जो सेवनटीन इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे इसके अलावा रिचर्ड मेनिसन ने इस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल डोनी एडवर्ड का रोल प्ले किया था जो ब्रिटिश आर्मी में थे ब्रिटिश आर्मी में आपको एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे तो ये ब्रिटिश के आर्मी कुछ कैरेक्टर्स थे जो देखने को मिले थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में भी एक तो किरदार देखने को मिले थे जहां पे रिचर्ड क्लेन ने कहने का रोल प्ले किया जो यूएस एम्बेड थी इंडिया में इसके अलावा जेफरी गोल्ड बर्ग ने इसमें हेनरी किसिंग का रोल प्ले किया जो यूएस सेक्रेटरी के स्टेट में स्टेट यूएस स्टेट सेक्रेटरी थे उस स्टेट में इसके अलावा एम्पील जापानीज आर्मी में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ किरदार जिसमें कीची इंडो ने इसमें ऑफिसर आई का रोल प्ले किया हुआ है क्या, केता अराजी एक ऑफिसर में देखने को मिलेगा रोल में आई इसके के इसके अलावा आई जे के एक इंडिया इं... इंपीरियल जापानीज आर्मी में एक और किरदार देखने को मिलता है ना इसदा जो एक ऑफिसर का रोल था तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको जापानीज आर्मी में भी देखने को मिलते इस फिल्म में तो ये कुछ कास्ट थी फिल्म की जो इस फिल्म में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में की गई थी मेघना गुलजार ने इस फिल्म की कहानी का आइडिया था सेम के ऊपर बनाने का वो उन्होंने राजीव फिल्म के वक्त ही बना लिया था वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी जहाँ पे आइडिया उन्होंने विकी कौशल को भी सुनाया था उन्होंने बताया था कि ये किरदार उनके साथ वो बनाना चाहते उस कैरेक्टर के साथ वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई किरदार को प्रॉपर डेवलप किया गया उनके साथ में बाद में कोलोबरेशन किया राइटिंग में भवानी भवानयर और सम्मान श्रीवास्तव ने उनके साथ मीटिंग करने के बाद फैमिली मेंबर जो से मनेक्सो थे उनके साथ भी मीटिंग की हुई थी और प्रॉपर खाने को डेवलप किया और उसके बाद में सेकंड कोलोब्रेशन बना गुलजार और विक्की कौशल के बीच में जिसके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेटर वन सुनाई दी आरएसवीपी मूवीज ने बेक किया इस प्रोडक्शन का इस फिल्म को दो में अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे एक

एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली आर्मी की और उन्होंने इंडियन आर्मी के 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 सिख रेजिमेंट रोल लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ली हुई थी और एक प्रॉपर तैयारी की हुई थी अपने किरदार के, के लिए क्योंकि उन्होंने उनके उनके एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये रोल उनको जो अभी तक उनके करियर में आया हुआ है सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट रोल उनको लगा है तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सभी चीज़ें जाया जाए जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का बहुत कम यूज़ किया है ज़्यादातर रियल लाइफ आर्मी पर्सनल थे उनको ही लेकर फिल्म की शूटिंग की गई है जिनको एक्टिंग कास्ट में भी ज्वाइन किया हुआ था फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो आठ अगस्त दो को स्टार्ट की गई थी फिल्म को करीबन तेरह लोकेशन थे इंडिया के वहाँ पर शूट किया हुआ था दो साल के अंदर इन फिल्म को पूरी तरह से शूट किया था स नक्शी की लाइफ में जितने भी जो उन्होंने अलग अलग इंडिया के लोकेशन कवर किए थे वहाँ पर इस फिल्म को शूट भी किया था जैसे कि मुंबई पुणे जोधपुर पटोड़ी उसके बाद में चंडीगढ़ ऊटी कन्नूर देहरादून कोलकाता पटियाला श्रीनगर पहलगाम और दिल्ली जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया और 14 मार्च 2023 तक तेईस किया था उसके बाद में डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे थे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग थे वो शंकर रेशन लोई के द्वारा कंपोज किए गए थे गानों के लिरिक्स गुलजार ने लिखे हुए थे जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था वो केतन सोढ़ा ने कंपोज किया हुआ था गाने थे वो शंकर रेशन लोई ने कंपोज किए थे दो में इसको रिकॉर्ड्स किया गया था पंद्रह मिनट आठ सेकंड का साउंड रेक था जी म्यूजिक कंपनी वालों ने राइट्स खरीदे थे पर्पल हेज स्टूडियो और वायरफ स्टूडियोज में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल चार गाने थे पहला गाना था बढ़ते चलो इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा

पर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म का प्रमोशन डिसेन्ट मिनर में किया गया था टीजर था वो एक दिसंबर 2022 को रिलीज किया था तेरह अक्टूबर 2023 को एक ऑफिशियल प्रॉपर आर एस वी पी प्रोडक्शन के द्वारा एक टीजर रिलीज करवाया गया था नया वाला उसके बाद में एक थिएटिकल ट्रेलर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म एक दिसंबर दो को रिलीज होने वाली थी जहाँ पे रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल के साथ एक क्लेस ले रही थी तो एक बड़ा क्लेस भी देखने को मिला था जहाँ पे उसके बावजूद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अच्छा कलेक्शन दे गया था इस फिल्म का जो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने एक स्लीपर हिट का टेक लिया ऐसा भी कह सकते क्योंकि डे बाई डे उस फिल्म ने एक स्टेडी कलेक्शन दिखाया हुआ था एक लंबा रन लिया था जिसके चलते इस फिल्म ने एक एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी सौ करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म में सभी एक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी खास करके विक्की कौशल की काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की हुई थी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से उन्होंने डेवलप की हुई थी जिस तरह से वो इस कैरेक्टर में घुसे हुए थे जिस तरह से उसमें इमोशनल से लेकर वाली जो फीलिंग वो हमारे में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं वहां पर उनका काम बढ़िया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से उस किरदार को लिखा हुआ था उसमें जो डेप्थ क्रिएट की हुई थी जो स्टोरी थी उसमें जिस तरह से उस किरदार के साथ काम किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म में अलग अलग पोलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है जहां पर बखोबी सभी चीजों को हैंडल किया हुआ है और टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड बनी हुई है टेक्निकली इस फिल्म में जो कैमरा वर्क है जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जिस तरह थोड़ा बहुत वेफिक्स का यूज किया है वो भी काफ़ी बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदारों को कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था वो काफ़ी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म की अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ काफी हित में गई थी जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया था और फिल्म ने एक अच्छा रन भी लिया हुआ था इस फिल्म को एक दिसंबर दो को जब रिलीज किया गया था तब एक मिनिमम स्क्रीन्स के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही थी इस वजह से स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को करीबन इक्यानवे सौ वोट हासिल हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म ने पहले दिन इंडिया से सिर्फ पाँच करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था क्योंकि एनिमल के साथ रिलीज हुई थी लेकिन सैटरडे के दिन फिल्म ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया बावन का एक जंप देखने को मिला आठ करोड़ पचहत्तर लाख का संडे के दिन नौ करोड़ पचास लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने तीन दिनों के अंदर करीबन चौबीस करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया विक डेज में इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के दिन तीन करोड़ का और थर्सडे के दिन दो तो, दो करोड़ नब्बे लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने पहला वीक था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करके निकाला हुआ था फिल्म का पहला वीक छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख का रहा था वैसे देखा जाए तो कलेक्शन कम ही था लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था एनिमल जैसी बड़ी फिल्म थी उसके सामने कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा था लेकिन इस फिल्म ने एक लंबा रन दिखाया था एक अच्छा स्टेडी रन दिखाया जिसके चलते आगे जाके फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा है जहाँ पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर दो करोड़ नब्बे लाख का सॉरी तीन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन निकला था सेकंड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने छह करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड संडे के ऊपर सात करोड़ का कलेक्शन किया तो सेकंड से सोलह था वो दो करोड़ पच्चीस लाख दो करोड़ का करोड़ पचहत्तर लाख का इसके चलते फिल्म ने दो वीक के अंदर दूसरे वीक में चौबीस करोड़ पैंसठ लाख का कलेक्शन किया टोटल दो वीक का कलेक्शन करीबन इकसठ करोड़ चालीस लाख का इंडिया से निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में जब इस फिल्म ने एंट्री ली पे थर्ड वीकेंड के ऊपर

जिसका इंडिया का ग्रोस हुआ एक करोड़ अड़सठ लाख और सत्रह करोड़ अड़तालीस का इंडिया सेलेक्शन एक सौ कलेक्शन किया फिल्म का बजट था पचपन करोड़ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जिसके ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स थे और जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे ओ राइट्स थे जी के पास सैटेलाइट राइट्स थे जी सिनेमा के पास तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी5 ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को आप हिंदी वर्जन में देख सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा चैनल के ऊपर सेम बहादुर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेम बहादुर फिल्म अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन सी सिनेमा के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सेम बहादुर फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो सेम बहादुर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दी है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया हुआ है जहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है और फिल्म से जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट के ऊपर मैंने सभी चीज़ें शेयर कर दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू